बीते दिनों सोमवार को 23 वर्षीय स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पहुंचे थे। यहां गोल्डन बॉय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाले एक सम्मान समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उनके साथ अन ओलंपियन भी शामिल थे। ये कार्यक्रम मंगलवार को होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश अभी शुक्रवार को आयोजित किया जाएगा। वहीं इन सब के बीच नीरज अन ओलंपियनों के साथ आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में नवोदित एथलीटों और बाकी खिलाड़ियों से खेल की बारीकियों को लेकर बातचीत की। गोल्डन बॉय ने यहां सभी खिलाड़ियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर कैसे मजबूत बने उसे लेकर भी हर एक पहलुओं को समझाया। इस बीच खास तौर पर खेलने के दौरान जो चोटें आती है उस पर भी नीरज ने एथलीटों से चर्चा की। यह इस बातचीत के दौरान सभी 7 विषयों के एथलीट और खिलाड़ी मौजूद रहे, जिनके अंतर्गत ASI में प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। नीरज चोपड़ा ने यहाँ बॉय स्पोर्ट्स कंपनी के सभी सदस्यों को संबोधित किया, जिसे एक विंग कहते हैं, जो देश भर से चुने गए स्कूली बच्चों को खेल में उनकी प्रतिभा के लिए प्रशिक्षित करती है। यहाँ इस बातचीत में ASI में शामिल एक अधिकारी ने नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए बताया कि गोल्डन बॉय ने उन सभी 7 विषयों के खिलाड़ी और एथलीटों के साथ साथ बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी के साथ एक अच्छी बातचीत स्थापित की। यहाँ खिलाड़ियों ने जो भी गुण नीरज से सीखे वो बेहद प्रेरणादायक रहे, जिन्होंने खुद भी कभी इस संस्थान में ट्रेनिंग ली है। यहाँ आपको बता दें कि स्वर्णिम इतिहास रचने वाले देश की शान नीरज ने उन सभी को कहा कि हर एक खिलाड़ी को खुद को समर्पित करने और तकनीकों, शारीरिक और मानसिक शक्तियों और अपनी कमजोरियों पर सबसे ज्यादा काम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि खुद के अंदर और मजबूती आ सके। नीरज ने यहाँ ये भी बताया कि चोटों के दौरान जो लगभग सभी खिलाड़ियों के साथ होता है, हर किसी को अपनी मानसिक शक्ति पर काम करना पड़ता है। आपको बता दें कि स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा साल 2016 में सेना की 4 राजपुताना राइफल्स में नायाब सूबेदार के रूप में शामिल हुए थे। इन सबसे पहले गोल्डन बॉय अपने शानदार स्पोर्ट्समैन की पर्सनालिटी की वजह से ही शुरुआत से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहे हैं। जहां अपने किशोरावस्था के दिनों में नीरज जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कई कारनामे अपने नाम कर चुके हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीरज चोपड़ा जिस पुणे स्थित आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में पहुंचे थे, वो दरअसल एक बहु अनुशासन रहित एक खेल प्रशिक्षण संस्थान है, जहां खेल के साथ साथ 7 क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनमें तीरंदाजी, एथलीट्स, मुक्केबाजी, गोताखोरी, कुश्ती, तलवारबाजी और भारोत्तोलन शामिल है। यहां अपने इस कार्यक्रम के दौरान नीरज ने इन खेलों से जुड़े सभी खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मार्गदर्शन देने का काम किया, जिनसे सभी बेहद प्रभावित भी हुए हैं। आपको हमारी ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और देखते रहिए HCN News। धन्यवाद।